बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मावीटी पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, बलूचिस्तान के ज़िले च्याही में रेकोडिक एक छोटे से कस्बे का नाम है। तारीखी एतबार से रेकोडिक एक कदीम आतिशफशां का नाम था। मकामी ज़ुबान में रेकोडिक एक सराही चोटी को भी कहा जाता है। इस इलाके को कुदरत ने सोने तांबे और शेल गैस जैसी नेमतों से नवाज रखा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोने की कान जिसे रेकोडिक के नाम से भी जाना जाता है यहीं वाक़ है। आज हम आपको इस सोने की कान से मुतल्लिक चंद हैरत अंगेज हकायक बताएंगे। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस आसानी से मिल सकें। दोस्तों, पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में वाक़ रेकोडिक दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी सोने की कान है और इस कान में इतनी ज़्यादा मकदार में सोना मौजूद है कि इसे निकालने में 50 साल से ज़ायद का अरसा लग सकता है। दोस्तों, सोने का ये पहाड़ 100 किलोमीटर से ज़ायद के रुकबे पर फैले हुए हैं। यहाँ 54 मिलियन टन से ज़ायद सोना पाया जाता है। इन पहाड़ों में पाए जाने वाले इस सोने की मालियत 2 खरब डॉलर से ज़ायद बनती है। 1994 में पाकिस्तानी हुकूमत ने इस ख़जाने को ऑस्ट्रेलवी कंपनी BHP को लेस पर फराम कर दिया। 2004 में BHP ने सोने के उन ज़खायर के हकूक लिथियान कॉपर नामी कंपनी को फरोख्त कर दिए और इस नई कंपनी को ये अख्तियार हासिल था कि ये यहाँ से सोना निकाल कर बग़ैर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इजाज़त के इसे एक्सपोर्ट कर सकती थी। कंपनी ने इन पहाड़ों से सोना दरियाफ्त करने के लिए 400 किलोमीटर तक के रुकबे पर कब्ज़ा कर रखा था। सबसे हैरान कन बात यह थी कि इस इलाके को किसी किस्म के आडट से मुस्तस्ना करार दिया गया था। इन पहाड़ों में सोने के अलावा तांबे के ज़खायर भी बड़ी मकदार में मौजूद हैं। इन मकाम पर दुनिया के दूसरे बड़े शेल गैस के ज़खायर भी मौजूद हैं जो पेट्रोल के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं।